अशोकनगर कृषि उपज मंडी में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह एक व्यापारी ने ही अपने कुछ व्यापारी और किसानों को ठगने का बड़ा काम किया है। बहुत ही सादर तरीके से एक ही दिन में करीब 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच का माल लेकर ये फरार हो गया है। मामला गर्ग इंडस्ट्रीज और फ्लोर मिल के मालिक विष्णु अग्रवाल और उसके लड़के सागर से जुड़ा हुआ है। कुछ किसानों और व्यापारियों ने आज कोतवाली में FIR के लिए आवेदन दिए हैं, जिसमें उनका कहना है कि उक्त व्यापारी ने अपने संस्थान के नाम से उनसे अनाज खरीदा या कुछ लोगों से नकद पैसे लिए और इसके बाद रातों रात ये रफू चक्कर हो गए। जिस फ्लोर मिल को लेकर बात की जा रही है उसको भी कुछ दिन पहले ही किसी व्यक्ति को बेच के चला गया है। जिस स्थान पर रहता था उसको भी खाली कर दिया है और दोनों मोबाइल जो चला रहे थे वो इस समय बंद है। इसके बाद जब लोगों को शक हुआ तो व्यापारियों ने खोज तलाश शुरू की और जब पता नहीं चला तो आखिर में पुलिस की शरण ली है। पीड़ित और ठगी व्यापारियों का कहना है कि करीब 4 वर्षों से विष्णु अग्रवाल यहाँ काम कर रहे थे, मंडी में लेन देन कर रहे थे और बीते 1 महीने से लगातार वह व्यापारियों के संपर्क में थे और जिससे जो मिल सकता था प्रयास किया जा रहा था लेने का। इसी बीच 2 दिन पहले अचानक एक बीमारी का बहाना करके यहाँ से गए और उसके बाद मोबाइल बंद है। लोगों को जब शक हुआ तो उसके बाद उनको समझ में आया कि उनके साथ बड़ी ठगी की जा चुकी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को FIR के लिए आवेदन दिए गए हैं। देखते हैं ये मामला कितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शुरुआती जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी इसमें अभी तक सामने आई है, जो बढ़कर करीब 2 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि व्यापारियों के अनाज के अलावा कुछ किसानों ने भी रिपोर्ट के लिए आवेदन किया है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी फसल खरीदी गई है मगर गुडविल के कारण कुछ दिन बाद पैसे देने की बात की गई थी और इसी बीच में फरार हो गया है। तो ये मामला करीब 1 से 2 करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आगे इसमें कुछ और नए खुलासे होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? रामवीर जैन। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है आपका? हमारा ये मैटर है सर कि क्या नाम से ये विष्णु अग्रवाल था, आई सही है, कर्ग इंडस्ट्रीज के नाम से इसकी फर्म थी। ये 4-5 साल से यहाँ पर व्यापार करता था, क्योंकि धीरे धीरे करके इसका व्यापार से हमारा संबंध बन गया और विश्वास उसने जीत लिए। माल देते थे तो पैसे 10-15 दिन में करके देते थे, ऐसा है। इसके बाद लास्ट जो है 5-3 को हमने इसको माल दिया श्री आदिनाथ ट्रेडिंग कंपनी के मार्फत, ऐसा है, और घर इंडस्ट्रीज इन एंड फ्लोर मिल के नाम से इसने माल दिया उसने। अब चूंकि कल 4 बजे तक तो उसकी घंटी जाती रही, 4 बजे के बाद उसने फोन नहीं उठा तो हमको थोड़ा डाउट हुआ तो हमने थोड़ी जानकारी लेना चाहा उससे, ऐसे ही। तो हम उसके यहाँ पर रहता था वो, तो क्या नाम से बालाजी धाम कॉलोनी में वो रहता था। अपन वहाँ पर गए, ऐसे पता चला कि यहाँ से खाली करके मकान चला गया वो। इसके बाद अपन इसके मिल पे गए, इसका एक जमाखेड़ी के पास में इसने चने का दाल का मिल लगा रखा है इसने, उस मिल पे गए, वहाँ भी जानकारी चाहिए अपन, क्योंकि ना तो वहाँ पे चौकीदार था और ना वहाँ पे कोई और था ऐसे एम्प्लॉयर जिससे अपन बात कर सकें। हम जैसे ही आए फिर हमने बात करने की कोशिश की, देखा तो स्विच ऑफ कर लिया उसने, उसने भी कर लिया। कितने व्यापारियों का पैसा होगा ये? करीब करीब 10-15 व्यापारियों से का ज़्यादा का। आप लोग कितने थाने आए अभी? हम अभी 4-5 लोग आए। कितना पैसा आया आप लोगों? हमारा 47-48 लाख रुपया हमारा है। अभी व्यापारी का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं चल रहा अभी। आपके थाने आए? हम थाने आए और रिपोर्ट लिखाने के लिए, और पता चला है ऐसा कि इसका मिल का भी एग्रीमेंट किसी द्वारा कल की तारीख कल यानी